हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी इन हिंदी सब्जेक्ट चैप्टर 9 कब आऊं। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। यहाँ जो नीचे बैठा हुआ है वो अवंती है और जो खड़े हैं वो सेठ है। उसने कपड़े रंगने की दुकान खोली थी और उसकी दुकान चल पड़ी। सब वहाँ अपने कपड़े रंगवाने के लिए अवंती के पास आते थे, लेकिन ये सब देखकर एक सेठ था जो उसे बहुत ईर्ष्या यानी बहुत जेलस फील हुआ कि ये इसकी दुकान ऐसे कैसे चल पड़ी है, क्यों इतने अच्छा काम करता है। तो वो एक दिन क्या हुआ, लेट्स सी। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज़ में बोला, अवंती जरा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी इसलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊँ। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसे ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि इसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। देखा, यहाँ जो सेठ था उसे बहुत जेलसी होती थी अवंती पर, तो उसने इस तरह से चालाकी अपनाई और उसे इतने सारे रंग बता दिए कि मुझे ये सारे रंग पसंद नहीं है, तो आप ऐसा कलर करो जो मुझे अच्छा लगता है। तो उसने इतने सारे रंग बता दिए हैं कि ऐसा तो कोई कलर बचा ही नहीं, तो अवंती कौन से रंग का कपड़ा करता। फिर वो तो सिर्फ चालाकी करके अवंती को परेशान करना चाहता था। फिर अवंती ने उसे माप लिया था कि हाँ, ये सेठ सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए यहाँ आया है, इसीलिए उसने भी बहुत ज़्यादा करारा जवाब दिया और कहा कि आप इन दिनों यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति यानी थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे को छोड़ के आप कभी भी मेरी दुकान से आकर आपका कपड़ा ले जाना। तो अब इतने दिन बता दिए, अब तो कोई दिन नहीं बचा है, उसने भी उसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया और सेठ को पता चल गया कि मेरी चाल तो उल्टी पड़ गई है, इसीलिए वो वहाँ से चलता बना। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट हियर। नाउ वी विल मीट अगेन विथ अनदर चैप्टर। थैंक यू।